आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी की एक पाठशाला, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, जिसके साथ संबंधित नवरात्रि का त्योहार, नवरात्रि का जो त्योहार है उसका संदेश, उद्देश्य, पराशक्ति के रहस्य, आद्य शक्ति का स्वरूप, ये जो सारी बातें हैं जिसमें हम समझ रहे हैं नवरात्रि का पर्व क्या संदेश है इसका मनुष्य को, जो संदेश है नवरात्रि के पर्व का वो है रात्रि जागरण की समझ। किस तरह से जो रात्रि का विश्राम है वो जागृति के साथ किया जा सकता है, ये इसका उद्देश्य है। और नवरात्रि प्रारंभ है, समझ का प्रारंभ है, नवरात्रि अंत नहीं। ऐसा नहीं कि नवरात्रि का पर्व तुमने एक बार उसका उत्सव मना लिया तो यहां ये बात खत्म हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ऐसा नहीं है। यहां से प्रारंभ होता है, जब तुम नवरात्रि का पर्व उसका उत्सव समझने चलते हो तो उसका उद्देश्य है रात्रि जागरण की प्राप्ति। 24 घंटे हमें मिलते हैं जीवन जीने के लिए, 24 घंटे हमें मिलते हैं।
तो जो खोज है वो ये खोज है कि हम मूर्छा में जो चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, वो कहां चले जाते हैं? निद्रा में। हम इतने सालों से निद्रा में जाते हैं, फिर भी आप देखना कि आपको पता है कि निद्रा में आप जाते कहां हो, कौन से लोक में चले जाते हो निद्रा में आप। हम जो मूर्छा में जाते हैं, जब भी मूर्छा में चले जाते हैं तो हम कहां चले जाते हैं? चलो, निद्रा में तुम कहां चले जाते हो? निद्रा में कुछ याद नहीं रहता हमें, कुछ क्या नाम, कौन सी ज्ञाति जाति, कौन बाप पिता, कौन माता, कौन सा पद है हमारा। राजा को भी भिखारी का स्वप्न आ सकता है और भिखारी को राजा का स्वप्न आ सकता है। भिखारी स्वप्न में अपनों को सम्राट होने का स्वप्न भिखारी को आ सकता है और सम्राट को भिखारी होने का स्वप्न भी आ सकता है। ये जो सारे स्वप्न का माया जाल है हमारे भीतर, जितनी भी आराधना है इस पृथ्वी पर, जो आराधना प्रकट हुई, साधना का जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें हैरान कर रहा है, हमें जीने नहीं देता ठीक तरह से। हमें जीना है, सबको जीना है, अच्छी तरह से जीना है। तो किस तरह से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं? हम जन्मों की बात करते हैं, जन्मों की, परम मुक्ति की बात करते हैं इस तरह से जैसे परम मुक्ति कोई भविष्य में कुछ घटेगा और फिर हमको परम मुक्ति मिल जाएगी, जैसे कोई चीज वस्तु हो। पहले तो हमें जो समझना है वो पूरा दिन जहां हमारी आंख खुलती है, जहां हम जागृत अवस्था में आते हैं, और जो पूरे दिन की प्रक्रिया है मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं किस तरह से रात्रि का जागरण प्राप्त हो सकता है। और सदा समझना है जागरण जो है वो उजागरा नहीं है। किस तरह से पता चलेगा कि तुमने जागरण प्राप्त किया है या उजागरा हुआ? तुम्हारी फ्रेशनेस, तुम्हारी ताजगी, तुम्हारे भीतर का मानसिक संतुलन, आत्मा है वो संतुलन है, बैलेंस्ड, जिसे योग की भाषा में कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। जो तराजू होता है उसका मध्यस्थ भाग है जो स्थिर है। तराजू है वो डावाडोल है, कभी दायां भाग नीचे जाता है तो कभी दायां भाग ऊपर जाता है, कभी बायां भाग नीचे जाता है तो कभी बायां भाग ऊपर जाता है। जो मन है वो सदा अति पर चलता है, इम्बैलेंस्ड मन है सदा अति पर। मन कभी बैलेंस नहीं हो सकता कभी। तुमने जैसे मन को बैलेंस किया तुम आ गए आत्मिक अवस्था में। आत्मिक अवस्था का अर्थ है बैलेंस, संतुलन, और मन का स्वभाव है अति पर जाना, इम्बैलेंस्ड, ये मन का स्वभाव। अब जहां हमारी आंख खुलती है और पूरे दिन के कर्म जो हम करते हैं, पूरे दिन के कर्म, खुली आंख के साथ जागृत अवस्था जिसे कहा जाता है जागृत मन, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, छोटे मोटे जो भी कर्म हम कर रहे हैं, पहले देखना यह है कि जब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कितने कर्म हम 100% कर रहे हैं, 100% पूर्ण जागृति के साथ, एक भी स्वप्न नहीं, न एक विचार। शरीर और आत्मा को समझना है, उसका स्वभाव समझना है, उसका काम करने की रीत समझनी है। शरीर और आत्मा, आत्मिक शक्ति सदा वर्तमान में मौजूद, सदा उसका बहने का ढंग, मूमेंट टू मूमेंट, क्षण से क्षण शरीर बहता है, क्षण से क्षण। एक सांस आती है भीतर, फिर एक उच्छ्वास बाहर जाती है, फिर से एक नई सांस आती है, फिर से उच्छ्वास बाहर जाती, एक एक हलेसा लगता है शरीर को। और धीरे 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 जो संसार सागर है इसमें हमारी नाव आगे बढ़ रही है, ये शरीर है जो प्रतिपल वर्तमान में रहता है, प्रतिपल। आत्मा जो है, आत्मा, तुम्हें आत्मा का संपर्क करना है, समझ लो अपनी आत्मिक शक्ति को जानना है। किस तरह से तुम जान सकते हो अपनी आत्मिक शक्ति को? जो कोई भी साधना है उसका लक्ष्य है आत्मा को प्राप्त करना। हमारा जो केंद्र है,
आत्मा को क्यों प्राप्त करना है? चलो, आत्मा को प्राप्त करने का क्या मतलब है? किस लिए प्राप्त करना है? अगर कोई आत्मा को प्राप्त नहीं कर रहा है तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? आत्मा सत्य है, आत्मा अंदर का अवकाश है, अंतर अवकाश है, और जो अवकाश है वो नष्ट नहीं हो सकता। अवकाश जो है वो सदा से है, सदा रहेगा। हमारे भीतर का हमारा अपना अवकाश है, हमारे भीतर का हमारा अपना अवकाश है जो सदा से है, जो सदा रहेगा। कोई भी अवकाश तुम कभी भी मिटा नहीं सकते, तुम नष्ट नहीं कर सकते अवकाश को, ना अवकाश को तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक से देखो, कोई स्पेस है, एक रूम की जगह है, तो तुम उसे भरकर तुम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तुम बाहर अवकाश में देखो, ब्रह्मांड का जो बाहर का विस्तार है उसमें तुम ये बात समझने का प्रयत्न करो कि यहां जो अवकाश है, हमारे बीच स्पेस है, तुम चाहो तो ये मकान का पूरा मटेरियल है, इस भवन को तुम गिराकर उस मकान का मटेरियल तुम कहीं और ले जाकर तुम भवन बना सकते हो, लेकिन यहां जो स्पेस है तुम नहीं ले जा सकते। चीज वस्तुएं तुम ले जा सकते हो, भवन तुम गिराकर उसकी सारी चीज वस्तुएं तुम एक जगह से लेकर दूसरी जगह, पृथ्वी की दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, वहां तुम बना सकते हो मकान, लेकिन देखो तुम स्पेस नहीं ले जा सकते। जो जगह है उसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ तुम कुछ भी, हम मिट जाते हैं लेकिन जगह वहीं की वहीं रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जगह को, वो जहां है वहां की वहां रहेगी। ये खोज है, हमारे भीतर खोजना है कि ये ऐसा कौन सा तत्व है हमारे भीतर जिसका नाश संभव नहीं, जो स्वयं भू कहा जाता है, जिसे स्वयं भू कहा गया, कि जो सदा से है, शिवत्व है, बुद्धत्व है, आत्मा है, जो उसका एक ही अर्थ है, जो सदा से है, सदा रहेगा, उसका नाश होना संभव नहीं। आत्मिक शक्ति है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ना किसी व्यक्ति की जो आत्मा है वो छीनी जा सकती है, तुम्हारी चीज वस्तुएं छीनी जा सकती है, समझ लो कोई भी न छीने तुम्हारे पास से। अगर पूरे जीवन में तुम्हारी जो भी चीज वस्तु है, संपत्ति है, संबंध है, कोई भी न छीने तो आखिर में मौत छीन जाती है। आत्मा को जानना जरूरी क्यों है? अगर आत्मा न जाने तो क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ सकता है, मैं तुम्हें कहता हूं, क्या फर्क पड़ सकता है? अगर तुमने आत्मा को न जाना तो क्या फर्क पड़ सकता है? तो ये फर्क पड़ सकता है कि तुम्हें कुछ हैरान कर रहा है भीतर या नहीं। ये देखना है कि तुम्हारे जीवन में फरियाद है, तुम्हारे जीवन में मांग है, डिमांड है, कुछ प्राप्त करने की डिमांड है, मांग है अभी। तुम्हारे भीतर संतोष है, तुम जो जीवन जी रहे हो, सबको पूछना है अपने को ये सारे प्रश्न, मैं तुम्हें नहीं पूछता। अगर ये पूछना है तो मुझको पूछना है, हर एक को अपने को पूछना है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं उसमें मुझे संतोष है या अभी कुछ हैरान कर रहा है? और अगर हैरान कर रहा है तो इस तरह से है देखना आप कि आपका शरीर समझो पूरा स्वस्थ है, पूरा शरीर स्वस्थ है, पूरे शरीर में कहीं कुछ भी नहीं, और एक जगह आपको पैर में कांटा चुभ जाता है, तुम देखना वो स्थिति कि एक कांटा जो मिलीमीटर से भी उसका डायमीटर होता है वो कम होता है, बहुत कम, उसका दसवां भाग होता है, एक कांटा चुभता है जब शरीर में, पैर में कांटा चुभता है, उसके आगे पूरा इतना बड़ा शरीर है और उसके आगे छोटा सा कांटा, फिर भी तुम देखना कि चैन नहीं मिलेगा तुम्हें, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ चुभ गया, अंदर कुछ आ गया है। क्या आ गया भीतर कि जो तुम्हें चैन नहीं लेने देता? पूरा शरीर, इसके आगे पूरा शरीर है जिसमें कुछ भी नहीं है, पूरा शरीर स्वस्थ है, और एक पांव में एक छोटा सा कांटा, लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक असंतुलन पैदा कर देता है, हमें अच्छा नहीं लगता। जब तक हम कांटा न निकाले बाहर तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। यही देखना है,
साधना की अगर जरूरत है, आराधना की जरूरत है, इसकी जो समझ है वो किस लिए जरूरी है मनुष्य को, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें हैरान कर रहा है। इससे किस तरह से मुक्ति मुक्त हो सके, हम किस तरह से हैरान गति से हम मुक्त हो सके। जिसने जाना उसने जाना कि ना संभव है, यह संपूर्ण संभव है कि संपूर्ण हैरानी से मुक्ति हो सकती है, दुख पीड़ा संताप से संपूर्ण मुक्त हुआ जा सकता है। जिसने जाना उसने जाना, इसलिए तो उसने साधना दी कि इस तरह से जीवन को समझना है कि पूरे जीवन को अगर तुम्हें समझना है, पूरा जीवन समझना है, तो किस तरह से हम समझ पाएंगे पूरा जीवन, कि ये जीवन किस तरह से चलता है, कहां से हम प्रारंभ करेंगे जीवन को समझना, हम प्रारंभ कहां से करेंगे, किस तरह से जीवन का परम स्वाद लिया जा सकता है। हम इतने सालों से जी रहे, तुम पूछो अपने से, तुमने जीवन का कितना स्वाद लिया। सब लेते हैं, सब प्रयत्न करते हैं, और करना ही है कि जीवन में स्वाद है, स्वादिष्ट जीवन होना चाहिए। हमें क्यों बेस्वाद लग रहा है, जीवन बेस्वाद लगने का कारण क्या है? बेस्वाद लगने का कारण इतना ही है कि जिस तरह से जीवन प्रकट होता है और जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति काम कर रही है, जिस रास्ते से वो काम कर रही है, जिस रास्ते से हमें गुजरना है, अगर हमने मनुष्य का शरीर लिया है तो हमारा जीवन किस तरह से, उसकी यात्रा क्या होगी, किस तरह से होगी, उसका पूरा मैकेनिज्म जो है, हमारा पूरा मैकेनिज्म जो तीन मुख्य भाग है वो है एक शरीर की शक्ति, जिसे हमें जानना है कि किस तरह से शरीर की शक्ति काम कर रही है। तो मैं तुम्हें कहता हूं, शरीर सदा वर्तमान में रहता है, शरीर स्वयं सदा वर्तमान में मौजूद होता है, सदा, ये शरीर का स्वभाव है, ये जानना है, क्योंकि हम शरीर में हैं। जिस तरह से हम कार में बैठते हैं तो कार किस तरह से चलाई जाती है, उसका पूरा मैकेनिज्म हमें जानना पड़ता है कि अगर कहीं कार बंद हो गई, टायर पंक्चर हो गया, तो किस तरह से टायर को बदलना है, उसका पूरा मैकेनिज्म हमें जिस तरह से समझना पड़ता है, इसी तरह से हमें शरीर को समझना पड़ता है कि शरीर का स्वभाव क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उसकी क्या जरूरियात है, क्या बेसिक नेसेसिटी है शरीर की, क्या मूलभूत जरूरियात है, कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, शरीर को इतना चाहिए, कम से कम जीने के लिए शरीर को इतना चाहिए, इतने वस्त्र, इतना भोजन, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो शरीर को पूरा समझना है। और जो आत्मा का लक्षण है, आत्मा का अर्थ है सत्य, स्पेस, जो सदा से है, सदा रहेगी, चाहे वो बाहर की जगह हो, चाहे हमारे भीतर की जगह हो, वो नष्ट नहीं हो सकती, वो सदा से है। हमारे भीतर भी ऐसा कुछ है जिसका नाश संभव नहीं, लेकिन ये खोजना है कि ये क्या है हमारे भीतर जिसका नाश संभव नहीं। तुम ऐसा समझो, जहां पर तुम डावाडोल हो, जहां पर तुम डावाडोल हो, वो मन का भाग है, मन उदार है, अपेक्षा उदार है। जो जीवन की यात्रा हम करते हैं, जब जितनी यात्रा हमने जीवन की आज तक, उसमें हम जितने बेहोश रहे उतने हम उदार तरंगों से प्रभावित हो गए। हमारे भीतर विचार की धाराएं बनी, हमारे भीतर भाव की धारा बनी, हमारे भीतर, और हम उसके साथ जुड़ गए। हमारे भीतर का जो चैतन्य है वो विचारों के साथ जुड़ गया। और मैं सदा तुम्हें याद दिलाऊंगा कि देखो, हमारा ही मन है, हमारा, क्यों मन के ऊपर आधारित नहीं रहना है। हमारा ही मन है, हमारे भीतर विचार आते हैं, फिर भी हमें पता नहीं कि कौन से क्षण कौन सा विचार आ जाएगा, निराशा वाला विचार आएगा या आशा वाला विचार आएगा, और हमें हमारे भीतर कितना डावाडोल कर जाएगा ये पता नहीं चलता। हमारा ही मन है, हमारा ही मन,
ऐसा भी नहीं कि किसी और का मन हमारे भीतर हमारा मन है, फिर भी कुछ पता नहीं कि चलो आज का 9 बजे का समय है तो वो हमारे लिए कैसा होगा, 10 बजे का समय है वो हमारे लिए कैसा होगा, कुछ पता नहीं हमारे भीतर कब कौन सा विचार आएगा। जिस मन के ऊपर हम आधारित है, हम उस मन के ऊपर आधारित है, उस मन के साथ हम अपेक्षा करके बैठे कि इससे कुछ मिल जाएगा, इस मन से हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, इसके पीछे 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 हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यह अपेक्षा खड़ी हो जाती है हमें हमारे भीतर। वो मन हमें पूछता नहीं, हमारा ही मन है, फिर भी हमारी परमिशन नहीं लेता कि मैं ये अपेक्षा खड़ी करूं कि नहीं। वो जैसे अपेक्षा खड़ी करता है हम उसके पीछे अंध की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब निराशा हमारे हाथ में आती है हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर एक नई आशा जगती कि शायद इसमें से तो कुछ न मिला, आगे कुछ मिल सकता है। इसी तरह से मन हमारे, हम उसके पीछे 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 जा रहे, धुआं है मन जो है। अगर तुम देखने की कला समझते जाओगे तुम्हारे भीतर, दर्शन की शक्ति जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ती जाएगी, तुम्हें पता चलेगा ये धुआं की तरह है मन। जो इच्छा हम देख रहे हैं हमारे भीतर, ये धुआं है, कुछ भी नहीं। इसलिए तो इच्छा के साथ काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो है इच्छा को आप देखो, खाली देखो, मात्र देखो कि कितनी इच्छा की शक्ति है। अगर वो ऊपर छली शक्ति है, उदार है, बहुत उदार ऊपरी है, तुरंत बिखर जाएगी वो शक्ति, बिखर जाएगी, धुआं है। जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है और बादल बिखर जाते हैं, धुआं के बादल बिखर जाते, इसी तरह से हमारे भीतर होता है। हमारे भीतर भी सूर्य आता है, हम कितना ही बेहोशी में जीवन जीते हो फिर भी हमारे भीतर आत्मिक शक्ति जागती है। आत्मिक आत्मा का जो सूर्य है वो प्रकट होता है, उसकी किरण छूती है हमें, ये न हो तो हम जी न सके, हमारी यात्रा आगे जा ही रही है, जा ही रही। तो जो आत्मा है वो सदा है, सदा से है, सदा रहेगी, और प्रतिपल है। आत्मा प्रतिपल है, शरीर प्रतिपल काम करता है, प्रतिपल। इसके बीच का जो सेतु है वो है मन, इच्छा। जो मन का मैकेनिज्म इस तरह से समझो, वो कभी वर्तमान में नहीं हो सकता। तुम जैसा वर्तमान में आने का प्रयत्न करोगे, जैसा वर्तमान में, जैसे अभी मेरे मुख से एक एक शब्द जो बोले जा रहे हैं, तुम अगर पूरा सुनने का प्रयत्न करोगे, पूरा का पूरा शब्द, तुम्हारे भीतर दर्शन जग जाएगा, आत्मा की शक्ति जगती जाएगी, मन बिखरता जाएगा। मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। वर्तमान में अगर जो घटना घट सकती है तो वो है दर्शन घट सकता है तुम्हारे भीतर, जो आत्मा का स्वभाव है, दर्शन करना, देखना, तटस्थ देखना आत्मा का लक्षण स्वभाव, वो प्रतिपल देख सकता है, प्रतिपल। और मन ठहर नहीं सकता। तुम जैसे मन के साथ, मन को तुम वर्तमान में लाने का प्रयत्न करोगे, वर्तमान, मन की शक्ति बिखर जाएगी, मन की शक्ति रूपांतरित हो जाएगी आत्मिक शक्ति में। जो देखना है हमारे भीतर, जो देखने की शक्ति है, उसे तुम आत्मा की शक्ति जानो, वो प्रकट होती है, वो प्रविष्ट होती है हमारे भीतर, तीसरे नेत्र से 2 भ्रमर के बीच, यहां से ये किरण हमारे भीतर उतरती है। और जैसे जैसे तुम ये कला साधते जाओगे पूरे दिन में, जहां तुम्हारी आंख खुली है, छोटा मोटा जो भी तुम कर्म कर रहे हो, हम इस तरह से हमने जीवन जिया है कि हम काम कुछ करते हैं, हमारा मन कहीं और भटक रहा है। तुम देखो कि जो पूरे दिन के तुम्हारे कर्म है, चलना, बैठना, उठना, खाना पीना, जागृति का प्रमाण कितना तुम्हारा, तुम्हें अपने को पूछना है कि कितने कर्म तुम पूर्ण जागृति के साथ करते हो। हमें पता भी कुछ पता नहीं, हम रूम में जाते हैं फटाफट स्विच चालू कर लेते, अंदर से कुछ पता, हम जो जी रहे हैं वो मशीन की तरह जीते हैं, मशीन की तरह।
एक रूटीन में जीते हैं, एक रूटीन हो जाता है हमारा, उसमें जीते हैं हम। और फिर जब परिस्थिति है उसका धक्का आता है। दो प्रकार के धक्के आ सकते हैं हमारे ऊपर, एक व्यक्ति से आ सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार वो छूते हैं हमें, उसका वर्तन, उसके काम करने की रीत, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसके मानसिक तरंग, उसके आत्मिक तरंग, ये छूते हैं हमें। तो एक व्यक्तियों का व्यवहार है उसका असर आता है हमारे ऊपर, और एक परिस्थिति है, और परिस्थिति जो है वो हमारी धारणा है, एक रूटीन बन जाता है। समझ लो मैं तुम्हारे साथ काम करूं 3 महीना, मैं रोज आऊं 7 बजे, रोज आऊं तुम्हारे पास, देखना तुम, और मैं एक रूटीन बना दूं तुम्हारा कि चलो मैं 7 से 10 बजे तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर मैं तुम्हारे पास 6 बजे आऊंगा, तुम एक रूटीन में आ जाओगे। अब 3 महीने के बाद मैं 1 महीना नहीं आता, तुम्हारा रूटीन डावाडोल हो जाएगा, पूरा रूटीन बदल जाएगा तुम्हारा, धक्का आएगा भीतर। ये जो हमें हैरान करता है हमारे भीतर, वो जो शक्ति का रूपांतरण होता है, तुम एक रूटीन में जब जीते हो तो तुम्हारे मन की शक्ति एक अरेंज्ड है कि इस तरह से मुझे जीना है। लेकिन ये तो बहिर्गामी परिस्थितियां है, बदल सकती है। जहां पर हम आधारित है, किसी और मनुष्य पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है, वहां हमें धक्का लग सकता है। किस लिए आत्मा की खोज जरूरी है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्मा की खोज जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। क्योंकि जब एक बार तुम्हारे हाथ में सत्य आता है, तुम्हारा अपना आत्मा, तुम्हारी अपनी आत्मा जो किसी पर आधारित नहीं, न कोई व्यक्ति पर न परिस्थिति पर, उसकी खोज क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम आधारित है, कोई भी व्यक्ति पर आधारित है या परिस्थिति पर आधारित है, अब परिस्थिति में जब भी बदला हटाएगी तो हमें तैयार रहना है कि उसका असर हमारे पर आ सकता है। व्यक्ति है तो उसका असर हमारे पर आ सकता है, हमारे भीतर सूक्ष्म धारणा बन जाती है कि ये व्यक्ति है तो वो इसी तरह से वर्तन करनी चाहिए, इसी तरह से हंसनी चाहिए हमारे साथ, इसी तरह से बोलनी चाहिए। और मन ऐसा है, देखो तुम्हारा अगर मित्र है वो रोज तुम्हें कहता है गुड मॉर्निंग, या तुम्हें कहता है कैसी है तबीयत, ठीक है, तुम्हें रोज अगर मिलता है सुबह में और तुम्हें पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो, सब अच्छा चल रहा है। अब एक दिन ऐसा होता है सुबह में वो तुम्हें मिलता है, वो कुछ भी नहीं कहता, न गुड मॉर्निंग कहता है, न हंसता है, न पूछता है तुम्हें कि किस तरह से तुम्हारा काम चलता है। तुम देखना कि धक्का आता है कि नहीं तुम्हारे भीतर, तुरंत तुम्हारी धारणा टूट जाएगी कि ये व्यक्ति मेरे सामने हंसना चाहिए। ये धारणा है हमारे भीतर कि हंसना चाहिए, तो अगर उसने बंद कर दिया तुम्हारे सामने हंसना, तुम्हारे भीतर धक्का आएगा। तो ऐसे जो भी छोटे मोटे धक्के, हमारे भीतर एक बैलेंस करने की शक्ति है, सबके भीतर है, सबके भीतर बफर सिस्टम है हमारे भीतर, कि जब बाहर का धक्का आता है तो हमारे भीतर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि वो सम पर लाता है, हमें सम्यक स्थिति में लाने का प्रयत्न करती है, वो शक्ति स्वयं वो स्थिर स्थिति में लाने की, बैलेंस्ड स्थिति में लाने की प्रयत्न होता है हमारे भीतर। इसी तरह से तुमने जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, जब हम गिरने की, हमारा शरीर जब गिरने जाता है, अपने आप भीतर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है बैलेंस करने का, शरीर को हमें करना भी नहीं पड़ता, वो खुद जाग जाता है, खुद जाग जाता है और बैलेंस करता है शरीर को, अपने आप करती है ये शक्ति, अपने आप करती है। इसी तरह से भीतर आत्मिक शक्ति है, वो बैलेंस करती है, हमें बैलेंस करती है। लेकिन जब हमारी क्षमता जो है उससे बाहर का धक्का हमारे पर आता है और जहां हम बैलेंस नहीं कर सकते, अपने को इम्बैलेंस हो जाते हैं, पूरे इम्बैलेंस, हमारी शक्ति से बाहर हो गया धक्का, तो हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति जो है अभी उतनी जागी नहीं, अभी हमने उतना काम नहीं किया है आत्मिक शक्ति पर, जगाया नहीं है हमने, हमारे भीतर की जो सुसुप्त शक्ति है, सोई हुई शक्ति है हमारे भीतर, सोई हुई शक्ति, आत्मा की जो शक्ति है हमारे भीतर वो सोई हुई है, या ऐसा समझो बंधी हुई है शक्ति,
ये पूरा का पूरा शरीर आत्मा की शक्ति, बंधी हुई शक्ति है हमारे भीतर। तो बाहर का धक्का आता है, वो एक हद से जब बढ़ जाता है तो हमारे भीतर का पूरा वातावरण डावाडोल हो जाता है, भाव की तरंगे डावाडोल हो जाती है, विचार की धाराएं डावाडोल हो जाती है, शरीर की तरंगे इंबैलेंस हो जाती है पूरी। और ये तीन जगत के महान असत्य जिसके साथ हम यात्रा करते 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 यहां तक पहुंचा है। और जो धक्का लगता है हमें भीतर, धक्का लगता है जिसे हम कहते हैं दुख, जिसे हम कहते हैं पीड़ा, जिसे हम कहते हैं संताप, एक ही है ये, कोई अलग नहीं। दुख, पीड़ा, संताप कोई अलग नहीं, ये तो समझने की रीत है। जिसे हम कहते हैं निराशा, जीवन जीना अच्छा न लगना, इसमें से किस तरह से मुक्त हुआ जा सकता है, या दूसरी ओर से देखे तो जीवन का परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है। तो जिसने जाना उसने ऐसा जाना कि पहले तो पूरे दिन पर काम करना शुरू करो, पूरे दिन पर जीवन के रहस्य अगर तुम्हें जानना है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे रहस्य हमारे भीतर है, सारे के सारे रहस्य। तुम जैसे अपने को जानते जाते हो ब्रह्मांड के सारे रहस्य तुम्हारे सामने खुलते जाते हैं। तो किस तरह से काम लेना है, मिल ही गया, चलो जीवन तो हमें मिल ही गया है, अब खाली इतना ही देखना है कि हम राजी है कि नहीं, जो हमारा जीवन है उससे हम राजी है कि नहीं है। तुम कहोगे हम राजी नहीं है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मन अनेक डिमांड करता है कि ये सब कुछ मुझे मिल जाए फिर मैं राजी हो जाऊंगा, लेकिन वो रास्ता नहीं। अगर वो रास्ता होता कि तुम जो इच्छा करो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए फिर तुम राजी हो जाओ, तो धर्म की कोई जरूरियात ही नहीं थी इस पृथ्वी पर। तुम बाहर की दौड़ लगाओ, सब कुछ प्राप्त कर लो और फिर तुम बस संतोष मिल जाए, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि मन कभी संतृप्त हो ही नहीं सकता, मन और संतोष कभी नहीं, मन और असंतोष जो भी है उसमें असंतोष में रहना ये मन का लक्षण। इसलिए जिसने सत्य को जाना उसने जाना कि हम ये गलती कर रहे हैं, अपेक्षा के पीछे की दौड़ है या जीवन के प्रति कुछ आशा रखना, अगर आशा हम रखते हैं तो तुम्हें तैयार रहना है कि तुम्हारी आशा, तुम जो धारणा से कुछ प्राप्त करना चाहते हो वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कौन तुम्हें गारंटी दे सकता है कि वो मिल ही जाएगा, कौन गारंटी दे सकता है? और ये तो मन है, तुम्हारी एक इच्छा अभी पूरी न हुई, तुमने दूसरी जाग गई, तुम्हें कुछ नहीं किया फिर भी इच्छा अपने आप जागती है, तुमने पोषण दिया एक इच्छा को, तुमने पोषण दिया, अपने आप उसकी ब्रांचेस बढ़ जाती है, अपने आप उसका विस्तार बढ़ जाता है, वो कुछ और डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, और हर एक व्यक्ति करता है। तो ये तो जीवन का तरीका नहीं, इस तरह से तुम जीवन का परम स्वाद नहीं ले सकते। जब तक हमारा संबंध मन से है, इस तरह से समझो तुम जीवन को, बेस्वाद को भी पूरा समझना है, बेस्वाद को, बेस्वाद से भागना नहीं है, कि अगर जीवन हमें बेस्वाद लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है जीना, उससे भागना नहीं है, उससे पूरा समझना है। अगर तुम वहां से भागे तो फिर जो बेस्वाद लग रहा है, जीवन बेस्वाद लग रहा है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर कुछ हम गलती कर रहे हैं, भीतर जीवन जीने का जो हमारा ढंग है वो ठीक नहीं है, इसलिए जीवन बेस्वाद लग रहा है। तो तुमने आज टाला, जीवन को आज टाला समझना, तुम जिस परिस्थिति में हो वहां से तुमने भागना शुरू किया, तुम्हें कुछ क्षण ऐसा लगेगा कि हम बच गए, तुम नहीं बचे, क्योंकि जो बेस्वाद लग रहा है जीवन वो अंदर लग रहा है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसमें बेस्वाद लग रहा है, जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कई और परिस्थिति में चले जाओगे,
फिर से बेस्वाद लगना शुरू हो जाएगा। देखना, करके देखना ये प्रयोग कि तुम एक परिस्थिति में अगर कुछ ऐसा है, बोझिल लग रहा है तुम्हें, अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम ना समझी के कारण वहां से भागना शुरू किया। यही तो कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं, यही करते 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 हम यहां तक पहुंच कर आए। किस तरह से तुम्हें जानना है, जो आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो पीड़ा हो, उसका इतना ही अर्थ समझो कि आज तक का जो जीवन तुमने जिया है उसमें तुमने ये पार नहीं किया है। इस तरह से जीवन को समझो कि जो कुछ भी आज हमें सता रहा है उसका अर्थ है कि अभी तक जो जीवन हमने जिया है उसमें ये हमने पार नहीं किया है। और अगर हम पार नहीं करेंगे, आज भी अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे जीवन को, तो हमें भविष्य में तैयार रहना है, उसे पार करना ही है। जिस संताप से हम भाग रहे हैं, जिस पीड़ा से हम भाग रहे हैं, बच रहे हैं, ये तरीका नहीं, ये जीवन को समझने का तरीका नहीं। चाहे जीवन तुम्हें कितना ही बेस्वाद लगे, जीवन बेस्वाद लगे, बोझिल लगे, हताशा निराशा से भरा हुआ लगे, इतना ही समझना है कि अभी हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। किस तरह से दुख को परमानंद में बदला जा सकता है, जिसने जाना उसने जाना कि बदला जा सकता है। 8 प्रहर कहा उसने कि शांति संभव है, 8 प्रहर, 8 प्रहर परमानंद संभव है, 8 प्रहर जीवन के हर क्षण प्रसन्नता के साथ जीना संभव है, जिसने जाना उसने ऐसा जाना, उसने क्या जाना, किस तरह से जाना, उसने इस तरह से जाना कि जो आत्मा का प्रागट्य है, आत्मा जो हमारे भीतर की जगह है, वो जब प्रकट होती है हमारे भीतर, उसके लक्षण है आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, निर्भयता, उत्साह, ये उसके लक्षण है। जब आत्मिक शक्ति प्रकट होती है तुम्हारे भीतर, आत्मिक शक्ति, अकारण आनंद, शांति का अनुभव, परम शांति का अनुभव, संतोष का अनुभव हमारे भीतर, ये सारे लक्षण है और ये हमारे भीतर है, ये शक्ति हमारे भीतर है, सोई हुई शक्ति है। आराधना और तपश्चर्या का मार्ग है तो वो क्या है और किस लिए है? तो सुसुप्त शक्ति को जगाना है, हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है। परमानंद हम बार खोज रहे हैं, परमानंद कोई व्यक्ति से नहीं मिल सकता, परमानंद आधारित नहीं हो सकता। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, करुणा आधारित नहीं हो सकते, प्रेम आधारित नहीं हो सकता, यह तुम्हारा अपना निजी स्वभाव है। जिसने जाना उसने ये जाना कि मनुष्य भटक रहा है, बाहर भटकाव है, तुम जो जीवन जी रहे हो यह भटकाव है, तुम यहां से भाग रहे हो, वहां खोज रहे हो आनंद, यहां खोज रहे हो, इस परिस्थिति में इस व्यक्ति के पास मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, इसके सोर्स तुम स्वयं हो, तुम स्वयं जहां से परमानंद प्रकट होता है हमारे भीतर। किस तरह से ये अवस्था हम प्राप्त कर सकते, तो पहले तो ये देखना है कि जीवन हमें मिल ही गया, चलो आज का दिन मिल गया फिर से तुम्हें, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या उद्देश्य है जीवन का, चलो किस तरह से जीवन तुम जीना चाहते हो, आज का दिन तुम्हें मिल गया, किस तरह से जीवन को जीना है। तो पहले तो जो जागृत अवस्था में हम जीते हैं, जहां पर हम जागृत हैं, उसमें हमें यह देखना है कि हम कितने जागृत हैं, हमारी जागृति की क्षमता कितनी है। जहां पर हम जाग रहे हैं, हम कहते हैं हम जाग रहे हैं, हम चलते हैं तो उसमें स्वप्न रहितता है, विचार शून्यता है उसमें, या हम चल रहे हैं और विचार भी चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि हम चल रहे हैं, हम पता भी नहीं कि हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, सामने वाला सोया हुआ है उसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसे पता भी नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, फिर भी हमारे मुंह से ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हम बड़बड़ 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 किए जा रहे हैं, सामने वाले के अंदर चल रहा है अपने विचार, हमारे भीतर अपने विचार, दोनों के बीच का टकराव होता है, वो इसीलिए होता है
कि ना उसे कुछ पता है किस तरह से जीवन जीना है, ना हमें कुछ पता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, और फिर हम दोनों साथ रहते, दोनों एक दूसरे के ऊपर अपेक्षा रखते, वो हमारे ऊपर अपेक्षा रखता है कि तुम इस तरह से वर्तन करो तो मुझे अच्छा लगेगा, हम उसके ऊपर अपेक्षा रख के बैठे, ना उसे कुछ पता है जीवन जीने का, ना हमें कुछ पता है। तो पहला तो ये देखना है कि किस तरह से हम, जहां पर हम जागरूक है वहां से हम जीवन किस तरह से जीते हैं, और अगर स्वप्न और विचार बन रहे हैं तो उसका क्या कारण है। नवरात्रि का जो पर्व है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण तुम प्राप्त कर कैसे करोगे? रात्रि जागरण का अर्थ क्या है? रात्रि जागरण का ऐसा अर्थ है, उसका सैद्धांतिक अर्थ अगर हम समझे, शब्द से समझे अर्थ को, तो निद्रा में जागना, कि तुम जागते जागते निद्रा को देख सको कि निद्रा उतर रही है, मेरे शरीर में उतर रही है। जिसने जागरण को समझा, जागरण का अनुभव किया निद्रा में, उसने इस तरह से अनुभव किया कि निद्रा आई तो शरीर को आई, और सारा जो खेल है वो शरीर के साथ होता है। तुम्हें भूख लगती है तो शरीर को भूख लगती है, आत्मा को न भूख है न तरस है, आत्मा को कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, जो जरूरियात है वो शरीर की जरूरियात है, और वो भी बेसिक नेसेसिटी हमें खोजनी है कि सच में शरीर की जरूरियात कितनी है, सच में शरीर को कितना जरूरत है, कितना खाने की जरूरियात है, क्योंकि उससे ज्यादा खाना होगा तो विचार को मिल जाएगा पोषण, मन को मिल जाएगा। दुख पीड़ा संताप मन का लक्षण है, मन का स्वभाव, आत्मा का नहीं। जिसने आत्मा को जाना या जो आत्मवान हुआ उसको दुख नहीं छू सकता, न पीड़ा छू सकती है न संताप छू सकता है। अगर हमें दुख पीड़ा संताप छू रहा है तो इसका इतना ही अर्थ है कि हम मन के साथ संबंध बनाए हुए बैठे, जिससे ऊपर उठना है, जो स्वप्न हमारे भीतर चल रहे हैं उससे ऊपर उठना है। तो किस तरह से हम प्राप्त करें ऐसी अवस्था? तो जिसने जाना उसने जाना कि जागृति एकमात्र मार्ग है। अपने को जगाओ, भीतर जगाओ, तुम स्वप्न से अंतर बनाओ, स्वप्न को पोषण मत दो, विचार जहां जग रहे हैं उसे पोषण मत दो। तुम्हारे भीतर जो जागृति है, कॉन्सियसनेस है तुम्हारे भीतर, यह अवस्था है, तुम जागृत रह सकते हो, क्षमता है सबकी, कोई एक क्षण रह सकता है, कोई एक घंटा रह सकता है, कोई 24 घंटा रह सकता है, ये खाली जीने का ढंग है। अभी तक जो हम जीवन जीने का ढंग है वो हम इस तरह से जी कर आए हैं, अभी तक जो हमारा जीवन है उसमें हमने निद्रा को पोषण दिया है, स्वप्न को पोषण दिया है, विचारों को पोषण दिया है, इसलिए वो धाराएं इतनी बढ़ गई है हमारे भीतर, वो सता रही, वो हमें हैरान कर रही। जिस दिन तुमने उसको ईंधन देना बंद कर दिया, उसको पोषण देना बंद कर दिया, वो नहीं टिकेगी तुम्हारे सामने। तुम्हारे भीतर अगर इच्छा जगी, तुमने खाली देखना शुरू किया, देखना कि नहीं दौड़ना है इस इच्छा के पीछे, अब मुझे नहीं जाना है, तुम छोटी छोटी प्रक्रिया में ये कर सकते हो। जैसे कि अभी तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम्हें लगता है मैं मेरे दोनों पैर आगे कर दूं, मैं जो पलटी मार के बैठा हूं वो मुद्रा में छोड़ दूं, मैं दोनों पैर सीधा कर दूं, अगर तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा उठी, तुम तुरंत मत करो, तुम पहले इच्छा को पूरा देखो कि कौन सा विचार आ रहा है, कितनी देर तक आ सकता है, मैं कितनी देर तक अभी बैठ सकता हूं, इसी मुद्रा में अभी तक बैठ सकता हूं, तो तुम्हारा अंतर बनता जाएगा विचारों के साथ या इच्छा के साथ। जो तपश्चर्या है वो है यही कि शरीर के साथ अंतर बनाना शुरू करो, तुम शरीर नहीं हो। तुम अगर खाली शरीर होते तो तुम्हें भोजन मिल जाता, तुम संतोष मिल जाता, तुम्हें रहने के लिए आवास मिल जाता, बस फिर कोई फरियादी न रहती, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता, बस पूरी हो गई बात, कपड़ा मिल गया, शरीर की जरूरियात कितनी, देखो तुम शरीर की खाली जरूरियात देखो तो कितनी जरूरियात है। तुम एक साथ 100 कपड़े तो तुम एक साथ पहन नहीं सकते, तुम रखते हो, तुम्हारे पास 100 कपड़े 1000 कपड़े रख सकते हो,
लेकिन इतना तुम एक साथ पहन नहीं सकते। तुम देखो कितनी जरूरियात है शरीर को, कम से कम कितनी जरूरियात है। और अगर तुम खाली शरीर होते तो तुम संतुष्ट हो जाते, बस कि इतना मिल गया, खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने को आवास मिल गया, फिर भी तुम नहीं हो संतुष्ट। नहीं है हम किस लिए संतुष्ट नहीं? क्योंकि मन है, इच्छा है, वो और जगती है, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है हमारे भीतर, हमारे भीतर, कि नहीं अभी कुछ और चाहिए, अभी कुछ और चाहिए। इसका अर्थ है जो हम है उसमें संतोष नहीं है। जो भी, जहां भी हम है, जिस परिस्थिति में हम है, जिस व्यक्ति के साथ हम, उसमें संतुष्ट न होना, राजी न होना, ये मन, इसके साथ हमारा संबंध। और जितना संबंध, इतने हम हैरान होते जाएंगे, जितना संबंध परमानंद आधारित चीज नहीं है। हमारी खोज ये है, हम कुछ ऐसा खोज रहे हैं कि हमें ऐसा सुख मिल जाए और दुख जरा भी ना हो। लेकिन ये जो जीवन हम जी रहे हैं, शरीर का स्वभाव तो मरणाधर्मी ही है। और जो मरणाधर्मी है शरीर, ऐसा नहीं कि मृत्यु कभी घटेगा, मृत्यु रोज घट रहा है हमारे साथ। जब तुम जागते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि रोज घट रहा है मृत्यु हमारे साथ, रोज घट रहा है शरीर के साथ, रोज घट रहा है मृत्यु, रोज रोज शरीर मर रहा है हमारे भीतर से, रोज शरीर मर रहा है। जो हमारे भीतर से मल बाहर आता है, मूत्र बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, उसमें ये जो मरा हुआ शरीर है हमारे भीतर, वो बाहर निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आखिर में जो स्थूल शरीर है जिसके साथ हम संबंध बनाए हुए बैठे, इतना गहरा संबंध है हमारा शरीर के साथ, उसे बराबर समझना है, बराबर। हम इसके साथ इतना गहरा संबंध है कि जब शरीर मरता है, हमारा शरीर मरता है, तो हम डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे। और जब तक हमारा गहरा संबंध है, हमारा अंतर नहीं हुआ है, तब तक तुम कैसे जानोगे कि तुम्हारा शरीर के साथ कितना गहरा संबंध है? तुम देखना, छोटी छोटी परिस्थितियों में जब शरीर पर धक्का आएगा तो तुम्हें देखते जाना है कि भीतर कितना असर हुआ। एक दांत गिरता है भीतर, बाहर से एक दांत गिर जाता है, शरीर से गिर जाता है दांत। आत्मा के तो दांत होते नहीं, ना आत्मा हड्डी ना मांस मज्जा है। हड्डी टूट जाती है या दांत गिर जाता है या ताव आ जाता है, बुखार आ जाता है, तुम देखना भीतर कितनी शक्ति अस्वस्थ हो जाती है। यह हमारा लगाव है, अटैचमेंट शरीर के साथ लगाव है। और जितना लगाव तुम्हारा, जहां पर ज्यादा होगा लगाव, उतना धक्का के लिए हमें तैयार रहना है। जितना लगाव हमारा ज्यादा, उसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ, हमें हमारे सौंदर्य पर गर्व था कि काले बाल कब तक रहेंगे, काले बाल, उम्र अपना काम करती है। हमने सब कुछ खोज लिया, बाहर से खोजते रहते हैं कि चलो काला रंग लगा देते हैं बाल को। इसी तरह से हम युवान होकर बैठे, युवानी कभी टिकती नहीं, वो तो जाएगी ही जाएगी, कुछ भी टिकेगा नहीं, यहां कुछ भी, सब कुछ संसार है वो है ही ऐसा, वो बदलता ही रहता है, बदल, धूप छांव, धूप छांव। और इसका असर हमारे पर आता रहता है, आता रहता है। इससे मुक्त करना है अपने को, इससे मुक्त करना है, ऐसा स्थान खोजना है हमारे भीतर, ऐसा स्थान जहां पर ये कंपन हमें असर न कर सके। ये खोज है जीवन की, और ये खोज ही लेना है जब तक जीवन हाथ में है, उसका पूरा उपयोग कर लेना है, पूरा। हां जरूर यात्रा है, जब हम कुछ नया सीखने जाते हैं तो हम गिरते भी है, गिर भी जाते, हमें लगती भी है चोट, निराशा भी आ जाती है कि ये किसी ने हमें भटका दिया, आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। गुरु पूरे दिन अकेला अकेला बैठता है, फिर कुछ बोलने की इच्छा होती है तो कहता है इस तरह से आत्मा प्राप्त करना है, इस तरह से, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि निराशा आती है। ये सब कुछ धुआं हमारे भीतर है, उससे बाहर
उलेचना है, उससे बाहर उलेचना है। मैं किस लिए तुम्हें कहूंगा? मादक द्रव्य से कोई मस्ती नहीं मिल सकती तुम्हें। तुम हजार कोशिश करो कि चलो तुम शराब पी लो और उसकी मस्ती, ये कोई मस्ती नहीं। तुम और डल हो जाओगे अगर तुम्हारी मस्ती शराब पर आधारित है, वो मस्ती है ही नहीं। तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर ऐसी शराब है, ऐसी शराब, बिना बोतल की शराब, उसे बाहर निकालनी है। ये शराब पीने वालों को मैं लालच दे रहा हूं, और इतनी पुरानी शराब है, हम कब से जी रहे, और शराब के बारे में ऐसा कहा जाता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जितनी शराब पुरानी हो, मुकेश सही है बात, जितनी शराब पुरानी हो उतनी उसकी मस्ती होती है। तो हमारी तो कब से सड़ रही है शराब, हमारे भी बोतलें ऐसे ही पड़ी है, उसे पूरी खोलनी है कि सब जिसने जाना उसने ऐसी मस्ती जानी। और ये कोई बड़ी दूर की बात नहीं है, मस्ती तुमसे जरा भी दूर नहीं, मस्ती तुमसे दूर नहीं, तुम मस्ती से दूर हो, मैं ऐसा कहूंगा। आनंद तुमसे दूर नहीं है, उल्लास तुमसे दूर नहीं है, प्रसन्नता तुमसे दूर नहीं है, तुम दूर हो, तुम दूर हो गए उससे, तुम बाहर चल गए, तुमने बाहर चलना शुरू किया, तुमने भुला दिया अपने को, ये मस्ती तुम्हारे भीतर है। नवरात्रि का त्योहार संदेश है उसका कि तुम्हारे भीतर मस्ती, उल्लास तुम्हारे भीतर है। प्रक्रिया जो है उसका हेतु है कि तुम्हें 24 घंटे किस तरह से जगाया जा सके, किस तरह से जगाया जा सकता है अपने को। तो जो पुरानी प्रक्रिया थी ऐसी थी, पुरानी प्रक्रिया, रास गरबा बाद में आए। अगर तुम्हें लगे कि रास गरबा क्यों है नवरात्रि में, होना ही चाहिए, प्रश्न अगर तुम्हें उठे तो मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं किस लिए रास गरबा है। जो पुरानी विधि थी, इस तरह से विधि थी, उसे कहा जाता है दुर्णन प्रक्रिया, जो नवरात्रि के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया थी, या पुराना जो नृत्य था शंकर के समय में, शिव ने दिया वो दिया दुर्णन। माता जी की जो पुरानी आराधना है उसमें दुर्णन प्रक्रिया है। दुर्णना, दुर्णने का क्या अर्थ? दो तरह से हो सकता है दुर्णना, एक व्यवस्थित कल्चरल साधना है, उसके दो मार्ग है, एक गौरी मार्ग कहा जाता है, गौरी, पार्वती का एक नाम है गौरी, और एक मार्ग है अगौरी, अगौरी, गौरी का मार्ग है, कल्चरल मार्ग है ये, सुव्यवस्थित, गौरी का अर्थ है सुव्यवस्थित, जिस तरह से हम श्रृंगार करते हैं, व्यवस्थित ढंग के कपड़े पहनते, व्यवस्थित ढंग से बोलते, अगर मैं पूछूं कि आप कैसे हो तो आप ठीक से जवाब देते हो कि ठीक है, ये है वो है, अगर मैं पूछूं आप कैसे हो आप बोलो वाला 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 वाला। ऐसा अगर अगौरी मार्ग, अगौरी, इसमें कल्चरल नहीं आता, सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए जो मार्ग है वो है गौरी मार्ग, जो तुम साधना करते हो कि मैं पद्मासन में शांति से बैठ सुव्यवस्थित सब कुछ व्यवस्थित करके फिर आराम से मैं बैठू, सुगंधित वातावरण हो, अच्छा वातावरण, ये गौरी मार्ग। एक है अगौरी मार्ग जिसमें कुछ व्यवस्थित नहीं, अस्त व्यस्त, स्मशान में चले जाओ, स्मशान में जहां से लोग भाग रहे हैं, लाश जल रही है जहां पर लाश, अगौरी साधना थी एक समय में, अगौरी इस तरह से खाना पकाते थे कि जो लाश आती है स्मशान में रहते, वो शंकर स्मशान में रहते थे, उसके जो पूरे शरीर पर राख है वो स्मशान की राख है की। लेकिन आज ये करने जैसा नहीं, क्योंकि आज शरीर के रोग बहुत बढ़ गए, और ये मैंने करके देखा है, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तुम्हारा, इस सब का अपना ढंग है, अपना ढंग है काम करने का शरीर का, तुम्हें विज्ञान समझना है साधना का, जड़ता के साथ मैं बताऊंगा सब कुछ, बताऊंगा सब कुछ, लेकिन तुम्हें जो मार्ग चुनना है किस तरह से तुम्हारा शरीर काम करता है। लेकिन ये मार्ग था एक समय में इस तरह से कि अगर वो खाना पका रहा है जहां से लोग भाग रहे हैं कि लाश, हम डर जाते हैं कि एक लाश है वो जल रही है, तो अगौरी है उस पर खाना पकाता है, खाना पका के खाता है, वहां जहां लाश जल रही वहां वो खाना पका के खाता, वो अपना देखा वैसा कर देता है, जो गौरी मार्ग है।
वो अच्छा व्यवस्थित रहना, नहाता धोता है, व्यवस्थित कपड़ा पहनता है, अघोरी जिसपे कुछ ठिकाना नहीं, बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त कपड़े है, इस तरह से दोनों मार्ग है, दोनों मार्ग काम करने के, दोनों ढंग है, और दोनों का विज्ञान मैं बताऊंगा कि इसका हार्द क्या है। दोनों साधना चलती थी। जो नवरात्रि का पर्व है उसका केंद्र है सुसुप्त शक्ति को जगाना, और निद्रा जिसे हम कहते हैं वो तो परम सुसुप्ति, हम जागते जागते भी गौर रहे हैं, उसमें भी हम सोए हुए, तो ये तो सोए हुए है, जहां पर हम सोए हुए उसमें किस तरह से जागरण लाना है। तो एक पुरानी प्रक्रिया ऐसी थी कि शरीर को सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड करो, शरीर को सबसे पहले सक्रिय करो शरीर को, तो पुरानी प्रक्रिया थी दूरणन, जिसमें शरीर को हिलाओ, खाली हिलाओ। उसके मुख्य दो ढंग थे, जो संगीत था बेसिक संगीत, एक था बम, एक शब्द है पुराना डमरू के साथ जुड़े हुए नाद है ये, बम 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 बम, तुम खाली खड़े रहकर तुम बोलना बम 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 बम, तुम्हारा शरीर पर धक्का आएगा, और इसे फास्ट भी बोला जाता है, बम 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 बम, इस शरीर को हिलाने की प्रक्रिया थी कि शरीर को हिलाओ, शरीर को हिलाओ, जितना तुम्हारा शरीर ऑक्सीजनेटेड होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा, डलनेस दूर होती जाएगी, मन अपने आप बिखर जाएगा, अपने आप शरीर से हम शुरू कर सकते, शरीर को एक्टिव करो तुम सुबह में। दो मुख्य समय है कि शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज जरूरी ही है, एक तो सुबह में, किस लिए जरूरी है वो भी मैं कहूंगा कि किस लिए जरूरी है सुबह में एक्सरसाइज, सुबह में एक्सरसाइज जरूरी है तुम्हारी क्षमता के अनुसार। तो एक ये मैं नवरात्रि पर्व के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया बताता हूं, उसमें एक प्रक्रिया है दूरण, उसका बेज है एक तो बम का उच्चारण, जिसपे बाद में डमरू भी जोड़ा गया, उस वक्त डमरू जो है वो बेसिक नाद है, कि उसमें कोई सुसंस्कृत नाद नहीं था तब, कि चलो कोई ढोलक बजाए या गल्लू की तरह उसे नाद का ज्ञान हो, ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है, तुम कहां से भी शुरू कर सकते हो, तुम्हारे पास डमरू नहीं है तुम खड़े रह जाओ खाली बम 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 बम, तो भी शरीर हिलेगा, तुम्हारा हिलेगा शरीर, मोटापा घटेगा, तुम्हारी पृथ्वी अगर बड़ी हो गई है, पेट स्वरूपी पृथ्वी ने विस्तार ले लिया है अपने आप, पृथ्वी पर भी बर्डन कम हो जाएगा, तुम्हारे पर भी बर्डन कम हो जाएगा। तो एक है बम का उच्चारण, बम शब्द है, तुम्हें खड़ा रहकर खाली बम 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 करो, और ये ऐसा नाद है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बोल के ही करो, बाहर बोलो, तुम भीतर भी ये कर सकते हो, तुम भीतर अगर बम 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 ऐसा बोलते जाओ विचार चले जाएंगे, अगर सुबह में तुम्हारे भीतर विचार आ रहे हैं विचार, तुम अगर ध्यान में बैठना चाहते हो, शांत बैठना चाहते हो और बैठ नहीं पाते, अंदर विचार विचार कोलाहल चल रहा है, तुम खड़े हो जाओ और खाली तुम शरीर को हिलाना शुरू करो, आंखें बंद करो, एक ही स्थान पर दो पैर के बीच थोड़ा अंतर रखो, 45 डिग्री अंतर रखो दो पैर के बीच, हाथ को ऊपर कर दो, थोड़ा हिलाओ, आंखें बंद कर दो, और ये बोल के भी किया जा सकता है कि बम 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 बम, और शरीर को हिलाओ, और बिना बोले अंदर भी तुम नाद करो, बिना बोले अंदर बम 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 बम, जिस तरह से मंत्र करते उस तरह से तुम करो, तो भी तुम्हारे तुम्हारा जो मन है बिखर जाएगा, उसके काले बादल है जो तुम्हें सता रहे बिखर जाएंगे। ऐसा ही एक दूसरा नाद है, ये सबका अपना है मार्ग, में हर एक मार्ग खोलता हूं जो जागृति के साथ जिसका संबंध है, किस तरह से स्वप्न में जागा जा सकता है या निद्रा में किस तरह से जागृति को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी एक प्रक्रिया है उसमें इस तरह से किया जाता है, उसका प्रक्रिया ये है, हा हु हा हु हा 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 हु हा हु हा 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 हु, ये प्रक्रिया है दूरणन की, पुरानी प्रक्रिया है, बाद में वो नाद में चली गई, नाद पर भी ये बजाया जा सकता है, इसका जो रिदम है हा हु हा हु हा 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 हु हा हु हा हु हा 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 हु हा हु हा हु हा 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 हु, बोल के भी तुम कर सकते हो,
इसमें भी इसी तरह से जरूरी है कि दो पैर के बीच एटलीस्ट तुम्हें एक जगह पर रहकर धुरना है, अगर धुरनन प्रक्रिया करनी है, बोल के भी कर सकते हो, बाहर से बोल के भी, और इतना भी बोला जा सकता है कि तुम्हें अगर शर्म संकोच लगे, ये तो स्थान ही नहीं, ये तो नृत्य का स्थान है, यहां तो तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन प्रारंभ में एक संकोच भी आता है, तुम देखना नृत्य में जब तुम उतरोगे तुम्हें डर आएगा कि अगर मैं ये नृत्य कर रहा हूं कैसा लगेगा, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं अच्छा कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, कोई हंसेगा मेरे पर, मजाक उड़ाएगा, मस्करी करेगा, ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे भीतर जो हम नृत्य से तोड़ना है। भय को तोड़ा जा सकता है नृत्य से, भय का स्वरूप कोई भी हो लेकिन उसे जानना है। कॉम्प्लेक्स जो है हमारे भीतर, कॉम्प्लेक्स है जो भय है, वो एक तरह की शक्ति हमारे भीतर वो संकीर्ण बन गया है जो हमें हैरान करता है। ये भय चिंता लाता है, चिंता की तरंगे लाता है जो हमें छूती है। तो शरीर को एक्टिव करने की पुरानी जो प्रक्रिया थी शंकर के समय में, शिव के समय में, वो थी दूर्णन की प्रक्रिया। तब रास गरबा नहीं थे, वो प्रक्रिया थी दूर्णन कि अगर तुम्हें रात्रि निद्रा में प्रविष्ट करना है, रात को जागना है, तो पहले जो सुसुप्त शक्ति है उसको ठीक से जगाना है। सुसुप्त शक्ति, अगर तुम पूरे दिन बैठे ही हो, आराम ही किया है, खाली खाया ही है तुमने, खाया पिया और आराम किया, और फिर तुम सोना चाहते हो, तो नींद गहरी नहीं आएगी। नींद गहरी आने के लिए तुम्हारा शरीर एक्टिव होना जरूरी है। जब तक तुम पूरा शरीर ठीक से एक्टिव नहीं करोगे, पूरा ऑक्सीजनेटेड नहीं करोगे शरीर, पूरा थकाओगे नहीं शरीर को, पूरा श्रम के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा या नृत्य के द्वारा, तब तक ठीक से गहरी निद्रा नहीं आएगी तुम्हारे भीतर। तुम्हारी निद्रा भी ऊपर छली विचारों वाली, तो जो प्रमाद है, आलस्य है, जिसका असर शरीर पर आता है, अगर हमारे भीतर प्रमाद है तो वो मन का लक्षण है। सुसुप्त मन का लक्षण प्रमाद पैदा करता है और आखिर में वो असर हमारे शरीर पर आता है। तो शरीर की शक्ति को जगाने के लिए पुरानी विधि दूर्णन प्रक्रिया थी। बाद में अगर रास गरबा हो गया तो उसका हमें विज्ञान समझना है कि रास गरबा किस लिए। अगर नवरात्रि है उसमें ऐसा दिया गया कि गरबा होता है उसमें छिद्र होता है, उसके भीतर दिया करना है, उसमें भीतर मग डालना है, गरबा के ऊपर हम स्वस्तिक करते, क्या है ये सारी प्रक्रियाएं, क्या है, किस लिए करना है। चलो ये गरबा, कि गरबा है उसमें छिद्र वाला गरबा है, गड़ा है उसमें छिद्र किए हुए गरबा होगा, कोई धर्मानंद जैसा तो उसने ऐसी प्रक्रिया दी कि नहीं उस गरबा में छिद्र होना चाहिए, भीतर दिया रखना है। दिया तो ऐसे भी रख सकते हैं, उसमें गरबा करने की क्या जरूरत, उसमें पाछा छिद्र करना, ऐसी झंझट करनी, इसके बदले सीधा दिया रख दे तो नहीं चल सकता। सीधा दिया रखे तो वो गरबा के अंदर रखना, उसमें मग डालो, उसके ऊपर स्वस्तिक करो, उसकी स्थापना करो, क्या विज्ञान है इसका, किसकी स्थापना करो और फिर 9 दिन रखो। ये माता जी, मैं छोटा था तब मैं ऐसा, मैं सब तरह से समझना चाहूं कि क्या त्योहार है, क्या कहना चाहता है। एक तरह मैं सबको पूछता था जो माता जी के साधक, मैं कहा एक तरफ आप कहते हो कि ये अंबा की इसकी छवि है, शेर पर सवारी आ रही है, अंबा शेर ही काफी है डराने के लिए, अंबा को तो देखेगा ही कौन, शेर पर सवारी है माता जी की, या दुर्गा माँ है त्रिशूल लेकर खड़ी है ये मूर्ति, तो फिर गरबा की स्थापना क्यों करनी। मैं उसे पूछता था ये तो है ही, ये मूर्ति तो है ही, तो फिर गरबा की स्थापना क्यों करनी, क्योंकि मैं तुम्हें आत्मिक विज्ञान समझा रहा हूं। आत्मिक विज्ञान जो संदेश है नवरात्रि का, पुराना संदेश समझ है, ये समझ, इसको समझ के साथ संबंध है। क्रियाकांड जड़ता नहीं है, धर्म जड़ता हो ही नहीं सकती, अगर वो जड़ है तो वो धर्म नहीं। परमात्मा परम समझ, समझ का विकास, अगर जीवन जीने के साथ 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 जिस तरह से हम बच्चे थे, बच्चे में से युवान हुए, युवान में से वृद्ध हुए, विकास हुआ शरीर का,
विकसित हो रहा है शरीर, अगर वृद्धत्व आया तो ये विकास है जीवन का, कि हमने युवानी जी ली, उसके बाद वृद्धत्व अवतरित हुआ, हुआ विकास है शरीर का, अपना विकास है। इस तरह से समझ का विकास है कि तुम जैसे जैसे जीवन जीते हो और ठीक ढंग से जीवन जीते हो। जनक बेटा बहुत बगासा है तो आप एक राउंड लगा के आओ, हाँ मेरे सामने मत खाओ बगासा, एक राउंड लगा के आओ फिर बैठो शांति से, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लो। इतना तो समझ नहीं है मेरे पास कि अगर मेरे पास आप बैठे हो आपको बगासा आ रहा है तो यहां किसने मना की तुम्हें दौड़ने की, मैं तो यही समझा रहा हूं, तुम एक राउंड लगा के आओ शरीर को फ्रेश करो, ये तो समझना है। मैं पुरानी विधियां समझा रहा हूं, मॉडर्न विधि भी है, किस मुख्य हार्द है, मैं यही कहता हूं समझ का विकास, धर्म समझ का विकास है कि जीवन जीने के लिए समझ चाहिए, बेहतरीन जीवन किस तरह से जिया जा सकता है, किस तरह से हम अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते, ये समझ के विकास के साथ इसका संबंध। मैं जो ये सारा समझा रहा हूं कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है, माताजी का रूप तो है ही ऑलरेडी, मैं देखता हूं कि चलो माताजी के साधक है तो इतनी बड़ी मूर्ति रखी है उसने, तो मैं फिर उसे पूछता हूं कि तो फिर तुमने गरबा की स्थापना क्यों की, तो वो कहता है मैं माताजी की स्थापना, तो मैं कहता हूं फिर मूर्ति क्यों है, तो वो कहता है वो माताजी है, तो फिर मैं कहता हूं तो फिर ये क्यों, इसका क्या अर्थ है, चलो इसका क्या अर्थ है, मैं प्रश्न पूछूंगा तुम कि इसका क्या अर्थ है। समझ का विकास है धर्म, क्रियाकांड खाली विरोध मत करो, आप पुराने क्रियाकांड है उसका विज्ञान है, उसे समझने का प्रयत्न करो कि ये क्रियाकांड है तो किस लिए है, ये क्रियाकांड किस लिए। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि आत्मा को थोड़ी धोती चाहिए कि हमारे पिता अगर उसका शरीर छोड़ दिया तो हम श्राद्ध को धोती चढ़ाते, अब पिता तो आत्मा, वो तो शरीर लेकर गए नहीं। ये समझ है, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं समझ, समझना है, समझ का विकास है धर्म, जड़ता नहीं है धर्म। और कोई भी क्रियाकांड चल रहा है अगर हमने एकड़ा बगड़ा जान लिया तो उसका अर्थ नहीं कि अब जो हमारे पीछे है उसे एकड़ा बगड़ा जानने की कोई जरूरत नहीं, उसे डायरेक्ट पीएचडी में ले लो, नहीं हो सकता, उसे जानना पड़ेगा एकड़ा बगड़ा। हम अगर कहते हैं कि हमारे लिए क्रियाकांड जरूरी नहीं तो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, हम कहते हैं हमारे लिए मूर्ति पूजा जरूरी नहीं, हाँ हमारे लिए जरूरी नहीं लेकिन किसी के लिए है। देखो कल मुकेश मुझे पूछ रहा था कि उसके घर में बहुत पूजा में बहुत भगवान है, तो वो कहता है कि आपकी क्या राय है, तो मैं तो स्पष्ट करता हूं तुम्हें कि जितनी मूर्तियां हैं बाहर, तुम अगर मूर्ति पूजा तुम कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो गलत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जीवन विकास है, तुम्हारी मूर्ति कब तक बाहर रहेगी, कब तक तुम बाहर की मूर्ति की पूजा करते रहोगे करते रहोगे, ये दर्शन कब अंदर बनेगा अंदर। तो मैंने ऐसा कहा, ये मुकेश का तो मैं खाली उदाहरण देता हूं, समझ लो कोई व्यक्ति आता है और मैं उसे कहता हूं तेरे सारे भगवान है तू फेंक दे, वो ठीक मार्गदर्शन नहीं है। अगर बाहर से मैं उसे कहता हूं कि तू फेंक दे, उसने फेंक भी दिया लेकिन फिर भी अंदर बना रहा, समझ लो उसके जीवन में उसने आज फेंक दिया, कर कोई घटना हुई उसके साथ, कोई घटना हुई जिसे हम कहते हैं दुर्घटना, हो सकता है जीवन है, तो उसके अंदर से भय हो सकता है कि मैंने ये मूर्ति निकाली इसलिए मेरे जीवन में ये आया, हो सकता है। और जब तक तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हें भय और पकड़ लेगा कि ये मूर्ति मैंने न निकाली हो तो, ऐसा मैंने कई लोगों के साथ जी कर देखा कि आधा मन था, मूर्ति रखनी थी नहीं रखनी थी, अभी भीतर कंफ्यूजन चलता था, किसी ने कहा छोड़ दो ये सारी मूर्ति पूजा का कुछ अर्थ नहीं, क्या मिला अभी तक तुम्हें, आगे क्या मिल सकता है मूर्ति पूजा, निकाल दो सारे भगवान, उसने निकाल दी, फिर कुछ ऐसा बना तो उसने लगा ये गलत माना इसका मैंने, अंदर से पछतावा आता है। तो ये तो कोई सबकी अपनी यात्रा है, जीवन सबकी अपनी यात्रा है, और कोई कंवल है तो वो धीरे 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 पंखड़ी उसकी खुलती है, या कोई वृक्ष बनता है तो हम कोई वृक्ष को खींचते नहीं कि चलो थोड़ा वृक्ष बाहर आ रहा है तो उसे हम खींचे, इस तरह से कोई वृक्ष नहीं बनता, कोई पौधा वृक्ष के में रूपांतरण नहीं होता,
वो जैसे जीता जाता है जीता जाता है, सब कुछ जरूरी है। उसे दुख भी छुएगा, पीड़ा भी छुएगी, वो ना समझी से काम भी करेगा, धक्के भी लगेंगे, सब कुछ उसके लिए जरूरी है, तब उसकी समझ का विकास होगा। तो मैं जब छोटा था और नवरात्रि का त्योहार समझने जाता था, मैं सब कुछ अंदर अंदर चलता था, क्या होता होगा, क्यों रास गरबा, रास गरबा करने की क्या जरूरत है, रात को रास गरबा। फिर माता जी का इस तरह से स्वरूप, एक तरफ कहते हैं कि माता जी ये है, ये दुर्गा, इतने इतने स्वरूप, उसमें पाछा गरबा कि तुम ऐसा ऐसा गरबा भी वहां रखो, उसकी स्थापना करो, अभी 9 दिन हुए, फिर उस गरबा को तारो, उसको पानी में रख देना है। मैं पूछता था जो माता जी की साधना कर, मैं कहता था आप माता जी, आप कहते हो ये गरबा माता जी है, तो माता जी को आपने पानी में डाल दिया, पानी में तरा दिया उसे, ये सारे क्या, इसका संदेश क्या है, ये जो पुराना त्योहार है उसका संदेश क्या है, ये छोटी छोटी जो प्रक्रिया है, जो क्रियाएं हैं सारी धर्म के साथ, और सबका अपना रास्ता है जहां से वो गुजरा है, सब कुछ उसे समझते जाना है, सब कुछ के ये जो सारी प्रक्रिया है उसका हार्द क्या है, ये क्या करवाना चाहते हैं हमसे, क्या संदेश देना चाहते हैं। कि चलो अगर ऐसा कहा जाता है कि जो नवरात्रि की पूजा है उसमें स्वस्तिक की स्थापना, स्वस्तिक बनाना, इसमें अबील गुलाल कंकु की रंगोली बहुत शुभ मानी जाती है, किस लिए करनी है, छोड़ रंगोली करने का क्या विज्ञान है, गरबा की स्थापना का क्या विज्ञान है, रास गरबा किस लिए करना है, क्या विज्ञान है, क्या संदेश है। अगली दिव्यवाणी में हर मनुष्य जीवन की परम समझ प्राप्त कर सके, जीवन का परम स्वाद ले सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिससे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ, मेरा वंदन स्वीकार करे, अस्तु।